शाहरुख खान की पठान फिल्म अगले साल जनवरी महीने में रिलीज होने वाली है, इस बात की घोषणा हो चुकी है। इस फिल्म का बॉयकॉट पहले से ही शुरू हो चुका है, लगभग 2 साल पहले से, जब से इसकी घोषणा की गई थी। हालांकि आर्यन खान का जो ड्रग्स वाला मामला है उसके चलते इस फिल्म की शूटिंग में 2 महीने की देरी हो गई और थोड़ी बहुत कोरोना के चलते, वरना यह फिल्म शायद अब तक रिलीज भी हो गई होती। तो शाहरुख खान ने 6 पैक वाली बॉडी उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली है, जिसमें शाहरुख खान ने लिखा है कि शाहरुख खान रुक भी गया तो पठान को कैसे रोकोगे, एप्स और एप्स सब बना डालूंगा। अब इसी चीज को लेकर लोग शाहरुख खान को ट्रोल कर रहे हैं। किसी ने लिखा कि 60 साल का बुढ़ा इंसान फोटोशॉप की हुई तस्वीर को हमें दिखाकर खुश करने की कोशिश कर रहा है, इस देश की जनता को बेवकूफ बना रहा है। किसी ने लिखा कि पठान को रोकने की जरूरत नहीं है क्योंकि पठान खुद ही भाग जाते हैं, अफगानिस्तान में यह हमने देख ही लिया है। किसी ने कहा कि इसकी बॉडी देखकर तो मुझे उल्टी आ रही है। किसी ने कहा कि मैं मनोरंजन के लिए इस तरह की बकवास फिल्में नहीं देखता हूं। केजरीवाल से बोल देना कि पठान को टैक्स फ्री कर दे क्योंकि वो हिंदुओं के खिलाफ रहता है, कश्मीर फाइल्स के खिलाफ है। किसी ने कहा कि लगता है कि अमेरिका में अभी अभी इसके कपड़े उतार दिए गए हैं, पहले भी इसके कपड़े उतारे जा चुके हैं क्योंकि इसे विदेशों में नंगा होने की आदत पड़ चुकी है। देखिए, कुछ लोग शाहरुख की तारीफ भी कर रहे हैं, कुछ लोग बुराई भी कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 56 साल की उम्र में शाहरुख ने बेहतरीन बॉडी बनाई है, इसे देखकर लोग जल रहे हैं। लोग कितना भी जल ले, शाहरुख खान हमेशा किंग ही रहेगा, बादशाह ही रहेगा। वैसे शाहरुख खान की ये फिल्म फ्लॉप होती है तो समझ लो उनका करियर हमेशा हमेशा के लिए चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा।